दोस्तों, इसी साल अक्टूबर में होने वाले T20 विश्व कप के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसलिए भारत की विश्व कप टीम में कौन कौन जाएगा, इस बात को लेकर क्रिकेट जगत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो स्क्वाड अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में खेल रही है या खेली थी, उस स्क्वाड में कई सारे परिवर्तन होने निश्चित रूप से तय हैं, जिनमें एक तो कप्तान रोहित शर्मा वापस आएंगे, फिर विराट कोहली भी वापस आने वाले हैं, जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी वर्ल्ड कप के लिए, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल भी इस टीम में हो सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो टीम खेली है उसमें से कई खिलाड़ियों का पत्ता कटने वाला है, और इन खिलाड़ियों में से किसका पत्ता कटेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल सभी के जहन में यह भी है कि भारतीय टीम के साथ मुख्य विकेटकीपर के रूप में कौन सा खिलाड़ी जाएगा, दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत। आज की इस वीडियो में हम आंकड़ों और करंट फॉर्म के हिसाब से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों की उम्र की बात करें तो दिनेश कार्तिक की उम्र 37 साल हो चुकी है, जबकि ऋषभ पंत की उम्र अभी 24 साल ही है। तो उम्र निश्चित रूप से ऋषभ पंत के साथ है और दिनेश कार्तिक के लिए टाइम निकलता जा रहा है। अब थोड़ा सा इनके आंकड़ों की तरफ चलते हैं, जहां दिनेश कार्तिक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में 37 मैच खेले हैं, उनमें 30 इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है। वहीं ऋषभ पंत ने अपने इंटरनेशनल T20 में 48 मैच खेले हैं, जिनमें 42 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। दिनेश कार्तिक ने इस दौरान 491 रन बनाए हैं और ऋषभ पंत ने 741 रन। दिनेश कार्तिक का एवरेज T20 इंटरनेशनल में बढ़िया रहा है, 35.07 का एवरेज है और ऋषभ पंत का एवरेज काफ़ी कम है, सिर्फ 23.15 का। दिनेश कार्तिक की स्ट्राइक रेट भी बढ़िया रही है, 146 के लगभग की स्ट्राइक रेट है, जबकि ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट यहां पर कम है, सिर्फ लगभग 124 की स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत की अंतर्राष्ट्रीय T20s में है। दिनेश कार्तिक ने यहां पर कोई शतक नहीं लगाया है, सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है जो कि उन्होंने पिछले मैच में ही लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जबकि ऋषभ पंत ने भी कोई शतक नहीं लगाया है, लेकिन 3 अर्धशतक उनके नाम है। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय T20 की बात। अब कुल मिलाकर T20 कैरियर की बात करें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक और IPL शामिल है, तो कुल मिलाकर दिनेश कार्तिक ने 348 मैच खेले हैं, जिनमें 310 पारियां खेली हैं। वहीं ऋषभ पंत ने 161 मैच खेले हैं, 154 पारियां खेली हैं। दिनेश कार्तिक ने रन बनाए हैं 6705, जबकि ऋषभ पंत के रन हैं 4108। दिनेश कार्तिक का एवरेज यहां पर 28 का है, जबकि ऋषभ पंत का एवरेज अच्छा है, 32 का एवरेज रखते हैं। दिनेश कार्तिक की स्ट्राइक रेट भी कम है, 135.4 की स्ट्राइक रेट है, जबकि ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट है 145 की। दिनेश कार्तिक ने पूरे T20 करियर में कोई भी शतक नहीं लगाया है, जबकि ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए हैं। दिनेश कार्तिक के नाम 32 50s हैं, जबकि ऋषभ पंत के नाम 22 50 हैं। दोनों खिलाड़ियों के पूरे IPL करियर की बात करें तो दिनेश कार्तिक ने पूरे IPL करियर में 229 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 208 इनिंग्स खेली हैं, जबकि ऋषभ पंत ने 98 मैच खेले हैं और 97 पारियां उन्होंने खेली हैं। दिनेश कार्तिक के इस दौरान रन 4376 हैं, जबकि ऋषभ पंत के रन हैं 2838। एवरेज भी यहां पर ऋषभ पंत का बढ़िया है IPL करियर में। दिनेश कार्तिक का एवरेज 26.85 का है, जबकि ऋषभ पंत का एवरेज 34.6 का है। स्ट्राइक रेट भी ऋषभ पंत की ही बढ़िया है, दिनेश कार्तिक की स्ट्राइक रेट 142 की है, जबकि ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट 148 की है। IPL में दिनेश कार्तिक ने कोई शतक नहीं लगाया है, जबकि 20-50 जड़े हैं, जबकि ऋषभ पंत ने 1 शतक लगाया है और 50 जड़े हैं। इन दोनों की करंट फॉर्म यानी IPL 2022 की बात करें तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक का पलड़ा फिर से भारी है। IPL 2022 में दिनेश कार्तिक ने 16 मैच खेले हैं, जबकि ऋषभ पंत ने 14 मैचों में 13 इनिंग्स खेली हैं। दिनेश कार्तिक ने इस सीज़न 330 रन बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत ने 340 रन बनाए थे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह रही कि दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था और सुपर स्ट्राइकर भी सीजन के चुने गए थे, 183 का स्ट्राइक रेट रहा इस दौरान दिनेश कार्तिक का। तो ये बात ऐसी है जो दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत और बाकी कई बल्लेबाजों से अलग कर देती है कि बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ दिनेश कार्तिक खेलते हैं, जबकि ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं रहा इस सीज़न, 128 का महज स्ट्राइक रेट रहा था उनका। स्ट्राइक रेट के साथ दिनेश कार्तिक का एवरेज भी बढ़िया रहा, क्योंकि वो कई बार नॉट आउट रहे थे। 55 का एवरेज से दिनेश कार्तिक ने यहाँ पर रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत का एवरेज महज 31 का रहा था। तो IPL 2022 और करंट फॉर्म, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसके हिसाब से दिनेश कार्तिक बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं और उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के हेड कोच हैं, उनका कुछ और मानना है। वो मानते हैं कि ऋषभ पंत टीम के इंटेग्रल पार्ट हैं और वो टीम का अहम हिस्सा रहेंगे वर्ल्ड कप में भी। दूसरी तरफ यहाँ पर एज भी ऋषभ पंत के साथ हैं, तो ये दोनों चीज़ें ऋषभ पंत के साथ हैं, कोच का सपोर्ट और एज, जबकि करंट फॉर्म और एक्सपीरियंस दिनेश कार्तिक के साथ है। तो मैं यहाँ पर दिनेश कार्तिक को चुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसी दूसरी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ट्रेंड्स टेलर के साथ।